हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी जो हिंदी स्वर होते हैं अ आ ई ई, जिसे ववल बोला जाता है, इसे इंग्लिश में लिखे कैसे और इनकी मात्रा को लिखे कैसे और ये सीखना क्यों ज़रूरी होता है। अगर आपको मात्रा नहीं आता है तो आप हिंदी लिखना और पढ़ना नहीं सीख पाएंगे। और अ आ को हम इंग्लिश में लिखना क्यों सीखें? अगर आपको कोई हिंदी वर्ड इंग्लिश में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? अ है, इसे हिंदी में क्या लिखा जाता है आपको नहीं पता है, तो आप कैसे लिखेंगे? हिंदी वर्ड को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे? इसलिए ज़रूरी है कि अ आ ई जो स्वर है उसे इंग्लिश में हम लिखना सीखें और इनकी मात्राओं को हम जानें, किस तरह लिखा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करना। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बताती हूँ किस तरह लिखा और पढ़ा जाता है। पहला है अ। अ का कोई मात्रा नहीं होता है और इसे इंग्लिश में ए लिखा जाता है इस तरह, और ये मैंने साइड में स्मॉल ए लिखा है, केवल ए लिखा जाता है। साइड में मैंने बताया है कि स्मॉल ए में मतलब स्मॉल लेटर में कैसे लिखें ए। फिर आता है आ। आ में बस एक डंडी होती है जो अक्षर के पीछे लगती है और इसे हम लिखते हैं डबल ए, डबल ए इस तरह, और स्मॉल लेटर में हम इस तरह लिखेंगे। इसके बाद आता है ई। ई की मात्रा इस तरह होती है, इसे हम अक्षर के आगे से लगाते हैं और उसे इंग्लिश में लिखा जाता है आई, और स्मॉल लेटर में हम इस तरह लिखेंगे ई, जिसे हम बड़ी ई भी बोलते हैं। इसकी मात्रा इस तरह होती है जो अक्षर के पीछे से लगती है, और ई को हम इंग्लिश में डबल ई लिखेंगे और स्मॉल लेटर में इस तरह डबल ई लिखेंगे। नेक्स्ट है ऊ। ऊ की मात्रा इस तरह होती है, किसी भी अक्षर में हम ऊपर की तरफ इस तरह ऊ लिखते हैं, ऊ को हम इंग्लिश में यू लिखेंगे और स्मॉल लेटर में इस तरह लिखेंगे ऊ, जिसे हम बड़ी ऊ बोलते हैं। इसका मात्रा ऐसे नीचे की तरफ होता है, इसे हम किसी भी अक्षर में नीचे की तरफ लिखेंगे और ऊ को हम इंग्लिश में डबल ओ लिखेंगे और स्मॉल लेटर में इस तरह लिखेंगे। फिर है री। री में बस हम इस तरह का एक रेफ लगाते हैं और इसे हम लिखेंगे आर आई, स्मॉल लेटर में आर आई। स्वर में री को नहीं गिना जाता है, बस हम 12 अक्षरों को ही गिनते हैं। फिर है ए। ए की मात्रा इस तरफ ऊपर की तरफ होता है, इसे हम इंग्लिश में ई लिखते हैं और स्मॉल लेटर में इस तरह लिखेंगे। फिर है ए। ए में इस तरह 2 मात्रा लगेंगे, इसे हम इंग्लिश में ए आई, ए आई लिखेंगे ए, और स्मॉल लेटर में इस तरह लिखेंगे। फिर है ओ। ओ की मात्रा एक डंडी फिर ऊपर से इस तरह बनाएंगे हम, ये है ओ की मात्रा, और इसे इंग्लिश में हम ओ लिखेंगे और स्मॉल लेटर में इस तरह। फिर है ओ। ओ का मात्रा एक डंडी फिर ऊपर से हम इस तरह मात्रा बनाएंगे, ओ को हम इंग्लिश में ए यू लिखेंगे और स्मॉल लेटर में इस तरह ए यू लिखेंगे। फिर है अंग। इसमें बस एक बिंदी ऊपर की तरफ, किसी भी अक्षर के ऊपर की तरफ होता है, फिर इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे ए एन और स्मॉल लेटर में ए एन इस तरह लिखेंगे। फिर है अह। ये किसी भी अक्षर के पीछे की तरफ लगेगा, 2 बिंदी इस तरह, फिर इसके लिए हम लिखेंगे ए एच अह, स्मॉल लेटर में इस तरह ए एच अह
लिखेंगे। तो इस तरह हम स्वर को इंग्लिश में लिखेंगे, लिखना सीखेंगे और इसके मात्रा को लिखना और पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि इनके ही हेल्प से हम हिंदी लिखना और पढ़ना सीख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ आम लिखा, अब मुझे ये इंग्लिश में लिखना है, कैसे लिखूँगी? डबल ए और मो को हम इंग्लिश में एम लिखते हैं, तो ये हुआ आम। तो इस तरह अगर हमें आता हो कि ओ आ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो हम आसानी से उसे इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर हमें आता हो ओ आ को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तो फिर हम आसानी से लिखना सीख सकते हैं और पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि ओ आ को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर तो ज़रूर ही करना। धन्यवाद।